परिक्षेत्र के अंधी गांव में कुएं में एक सफेद भालू का शव तैरता दिखाई दिया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने भालू के शव को कुएं से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम कराकर शव का अंतिम संस्कार कराया। वन अधिकारियों की माने तो पूरे क्षेत्र में भालू काफी संख्या में है और ये भालू घूमते घूमते गांव का रुख भी कर लेते हैं। शायद ये सफेद भालू इधर ऐसे ही आ गया होगा और कुएं में गिरकर इसकी मौत हो गई। ये समय का घटना है, जैसे की जानकारी मिला है हमको घर वालों की ओर से, जिसके यहाँ भालू गिरा था, और इससे ज्यादा जानकारी तो मेरे को है नहीं। कैसे हो गया घटना? ये रात्रि का समय है, लगभग भालू लोग घूमने ऐसे आए होंगे या फिर कुछ है। हाँ, रात्रि के समय का समय है, ये गांव के अंदर है। गांव के अंदर आए, उनका जहाँ कुआं था उस कुएं का पानी का उपयोग नहीं किया जा रहा था, बाड़ी में था, और वहाँ पर भालू, दो भालू थे, जिसमें कि एक भालू बच्चा जो है कुएं गिर गया। माँ जो है चारों तरफ चिल्ला रही थी। सुंदर के द्वारा गांव वालों को सूचना दिया एवं मुझे सूचना मिला और परिसर रक्षक को तत्काल मौके पर पहुंचे और पहुंच करके पंचनामा लेकर के शव को बाहर निकाल करके पीएम के लिए उसका खबर कोरिया से जहां